नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट और साथ में उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। आप यहाँ शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट देख सकते हैं। इसको शॉर्ट शंट क्यों बोलते हैं बच्चों? शॉर्ट करने के पीछे मतलब यही है कि यहाँ हम आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में जो फील्ड टर्न्स रखते हैं उसको हम शंट नहीं करते हैं, यानी जो बाकी रिमेनिंग जो शंट टर्न जो फील्ड टर्न्स है उससे सिर्फ आर्मेचर को ही शंट करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को शंट नहीं करते, इसीलिए इसको शॉर्ट शंट बोलते हैं। यानी शॉर्ट शंट में हमने रिमेनिंग फील्ड टर्मिनल से सीरीज जो फील्ड टर्मिनल्स है उसको पैरेलल नहीं किया, उसको शंट नहीं किया। ये डायग्राम अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे मैंने एक ही वर्टिकल रो में दो एक ही वर्टिकल कॉलम में दोनों को दिखाया है। आप चाहें तो आरएसी को यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो बहुत से बुक्स में जनरली ड्रॉ होता है। आइए इसके कुछ नोमेनक्लेचर हम समझ लेते हैं। हमारे पास आर्मेचर में जो जनरेटेड ईएमएफ है दैट इज ईजी, आर्मेचर के रेसिस्टेंस को हमने आरए से नोट किया है। आप चाहें तो इसमें सीरीज में रेसिस्टेंस दिखा के भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो ब्रशेस है, ए डबल ए, दो टर्मिनल्स है हमारे पास। जो सीरीज के टर्न्स है उसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने इसे आर्मेचर के सीरीज में लगाया है और उसके रेसिस्टेंस को मैंने आर एस ई लिया है। दो टर्न्स दो टर्मिनल्स है वाई डबल वाई। आप सीरीज में करंट जो फ्लो होगा आप चाहे तो उसको आर एस ई आई एस ई भी मेंशन कर सकते हैं। आर्मेचर के करंट से जो शंट टर्मिनल कनेक्ट हमने किया है जेड डबल जेड, उसकी वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है आर एस एच। इंडक्टेंस की जरूरत नहीं, डीसी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो इसमें जो करंट जाएगा दैट इज कॉल्ड आई एस एच। जो आर्मेचर से शंट के टर्मिनल्स में जो करंट जाएगा उसको माइनस करने के बाद फाइनली जो सीरीज में करंट जा रहा है वही लोड करंट है। तो लोड के करंट को मैंने आई एल मेंशन किया और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको मैंने वी मेंशन किया है। ये एक डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। आइए सबसे पहले हम सीरीज फील्ड के करंट और शंट फील्ड के करंट के रिलेशंस को देखते हैं। तो बच्चों, जब मैं सीरीज फील्ड के करंट का कैलकुलेशन करूंगा तो सीरीज फील्ड के करंट को मैंने जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है दैट इज आई एस ई। अब आप ही मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आई एस ई किसके सीरीज में है। यस, आई एस ई ही जाके लोड के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, इसीलिए आई एस ई लोड के सीरीज में है। क्या अगर लोड के अलावा और भी कोई रिलेशन है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यस, मैं चाहूं तो इस पे किरचॉप्स का करंट लॉ लगा सकता हूं। इनकमिंग करंट है आई ए, आउटगोइंग करंट है आई एस एच एंड आई एस ई। तो एक रिलेशन और भी बन सकता है, आई ए इक्वल टू आई एस ई माइनस आई एस ई प्लस का आई एस एच, क्योंकि आउटगोइंग दोनों है। तो यहां से बच्चों आई एस ई की वैल्यू मैं फिर से निकालूंगा एंड दैट विल बी इक्वल टू आई ए माइनस का आई एस एच। तो जो भी नोन क्वांटिटी होगा उसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए मैं शंट फील्ड करंट की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। शंट फील्ड करंट को मैंने आई एस एच से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। तो जो आई एस एच है यहाँ पे इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? काफी इंटरेस्टिंग है। करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दो ऑप्शन हमारे पास है। अभी तक हम टर्मिनल वोल्टेज ले रहे थे, तो अभी जो इस शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज नहीं होगा क्योंकि उसके साथ ड्रॉप भी हो रहा है और वो जो ड्रॉप हो रहा है दैट इज इन आर एस ई। तो अगर इन दोनों ड्रॉप को मैं ऐड करूं वी प्लस आर एस ई, तब जाके मुझे इन दोनों यानी इसके अक्रॉस पैरेलल वोल्टेज मिलेगा। तो चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वी के जगह पे मींस वोल्टेज के जगह पे दैट विल बी वी यानी टर्मिनल वोल्टेज प्लस का इसके अंदर होने वाला ड्रॉप। तो आई एस ई या आर एस ई लिखूं और आई एस ई ही आई एल के बराबर है तो मैं आई एल आर एस ई भी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन में थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ नोन क्वांटिटी कौन है बच्चों? आई एल है, इसीलिए आई एल ही आई एस ई है। तो मैंने आई एस ई की जगह पे आई एल को मेंशन कर दिया है। इस इक्वेशन को अगर मैं कंप्लीट करूं तो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस होता है और शंट फील्ड वाइंडिंग में रेसिस्टेंस है आर एस एच।
अगर मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज नो नहीं हो, जनरेटेड वोल्टेज हो तो कैसे निकालूंगा बच्चों? तो जनरेटेड वोल्टेज कितना है? इजी, इस आर्मेचर में कितना ड्रॉप हो रहा है IaRa, तो ये भी पैरेलल होगा। तो मैं चाहूं तो अगर इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करूं तो मैं लिख सकता हूं ISH इज इक्वल टू ईजी, माइनस कर दूंगा ड्रॉप को, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है वहां पे, कौन सा ड्रॉप हो रहा है? IaRa। आर्मेचर के अंदर कौन सा ड्रॉप होगा? आर्मेचर रेसिस्टेंस ड्रॉप अपॉन RSH। ये दोनों ही क्वेश्चन में जो चाहे, जो भी अननोन अननोन क्वांटिटीज है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम तीसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। वो रिलेशन है, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं आर्मेचर और लोड करंट के बीच का रिलेशन। तो आप मुझे बताएंगे आर्मेचर करंट और लोड करंट में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे किरचॉफ्स का करंट लॉ, आई ए इक्वल टू इनकमिंग करंट आई ए, आउटगोइंग है ISH और IL, ISE ही IL है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो ISH प्लस का मैं IL लिखूं या फिर मैं यहाँ पे ISH लिखूं, क्योंकि ISE लिखूं क्योंकि IL ही ISE की वैल्यू के बराबर है। अब चलिए अगले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को मैं कैलकुलेट करूंगा। चलिए मैं पहले टर्मिनल वोल्टेज लिख देता हूँ। तो टर्मिनल वोल्टेज को मैं सिंबॉलिक वैल्यू दिया हूँ V, तो टर्मिनल वोल्टेज को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो V की वैल्यू मुझे चाहिए। तो आइए मैं V कैलकुलेट करता हूँ। तो V इक्वल टू, पहले EMF जनरेट होता है, वो EMF की वैल्यू कितनी है? इजी, तो मैं इजी को लिख दूं इजी। अब क्या कुछ ड्रॉप हो रहा है? तो यस, एक तो आर्मेचर में ड्रॉप होता ही है, दैट इज इक्वल टू IaRa। अब और कौन सा ड्रॉप होगा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आर्मेचर के साथ साथ फील्ड वाइंडिंग में भी ड्रॉप होगा। फील्ड वाइंडिंग में रेसिस्टेंस RSE है और करंट IL या ISE में लिखूं तो डायरेक्ट मैं IL ही लिख दूंगा, तो माइनस का IL इंटू RSE। यहाँ IL ही ISE है, पहले ही हमने मेंशन कर दिया है। चलिए वोल्टेज ड्रॉप भी ले लूं, तो यस माइनस का 2 इंटू VB, क्योंकि ये दोनों क्या होगा? ब्रश ड्रॉप, क्योंकि ये ब्रश के पास हो रहा है। अब आइए बच्चों, दो और इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। सबसे पहला है पावर डेवलप। पावर डेवलप्ड को मैं लिख रहा हूं सिंबॉलिकली पीडी से, यानी पीडी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों? तो पीडी यानी डेवलप हो रहा है पावर आर्मेचर के अंदर, तो पावर डेवलप्ड होगा आर्मेचर का वोल्टेज इंटू आर्मेचर का करेंट, यूनिट ऑफ वॉट या किलो वॉट ले सकते हैं। अगला है पावर आउटपुट। बहुत ध्यान दीजिएगा, पावर आउटपुट और पावर डेवलप दोनों अलग है यहाँ पे। आप चलिए मुझे बताइए पावर आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, क्या दोनों सेम होगा? तो P नॉट, पावर आउटपुट मतलब टर्मिनल वोल्टेज में होने वाला वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाला करंट। तो क्या आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है? नहीं, क्योंकि कुछ पार्ट तो चला जा रहा है ISH में। तो यहाँ मैं लिखूंगा टर्मिनल वोल्टेज और करंट की वैल्यू लिखूंगा, दैट इज IL, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यूनिट वॉट और किलो वॉट लिया मैंने। ये मैं यहाँ क्यों मेंशन किया IL, क्योंकि यहाँ पे IA ग्रेटर है IL से, मींस बराबर नहीं है। यही रीजन है कि दोनों इक्वेशंस अलग अलग होंगे। आई होप आपने शॉर्ट शंट DC कंपाउंड जनरेटर के मैथमेटिकल इक्वेशन को भी समझ लिया होगा, क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके आगे बच्चों मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने वाला हूँ। आप जरूर इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।